थैंक यू सर 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 प्लीज थैंक यू बुढ़िया इधर मुंह करना बेटे चलो थोड़ा इधर हो जाओ मैडम आगे से हटिए थोड़ा थोड़ा अब ले बेटा हर तरह टोपी रखी हुई फिर क्यों को बारिश नागर साहब बुढ़िया पीछे हो थोड़ा टर्न लो हाँ प्लीज यस यस गुड बहुत बढ़िया जो आज उसकी मेले से शुरुआत है अंत्योदय जिस आदमी को जिसकी ज़रूरत है उसकी आज मेले का उद्घाटन सभी बहन सीमा जी नरेंद्र गुप्ता जी मेरे नैनपाल नागर चेयरमैन अपने राजेश नागर जी हैं अपने नीरज शर्मा जी सभी अधिकारी हैं उसकी शुरुआत करिए कि आदमी को नाम में जिस चीज़ में जिसकी ज़रूरत हो भाई एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है आय से कम उसकी मान लो मैं आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना ये सरकार का कर्तव्य है और इसके लिए मेले का आयोजन है हमें सभी साथी मिलके इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएँ और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिलेगा मंत्री जी क्या मानते कितना लाभ लोगों को इससे मिलने वाला है हर चीज़ का जितने जितने मेलों से या जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें राकेश टिकैत ने धमकी दी है दोबारा से कि 26 जनवरी भी नज़दीक है 4,00,000 ट्रैक्टर भी वहीं हैं और किसान भी वहीं हैं भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों के लिए कर दिया किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया अब महेंद्र जी का कोई कहने का उचित नहीं